हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या विंटर के बाद आपके रोज प्लांट पे फूल आना बंद हो गए हैं, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे और उनसे कैसे बचा जा सके, ये सारी बातें मैं आज अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट गाइस, आप मेरा प्लांट देख सकते हैं, विंटर से लेके अब तक जितने भी वीडियो शूट किया है मैंने, सारे के सारे वीडियो में आपको इस प्लांट पे खूब हेल्दी बर्ड और फूल दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसा क्या करती हूँ, क्या क्या चीज़ें इन प्लांट को ज़रूरी होता है? तो विंटर में देसी गुलाब बहुत ही लार्ज साइज़ के फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से फूल आते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि धूप कम होने के बाद उसमें फूल ना आए। विंटर में हमारे रोज़ प्लांट पे बहुत ही बड़े बड़े फूल आते थे और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आते थे। तो एक बार हैवी फ्लावरिंग करने के बाद कोई सा भी प्लांट हो उसमें फर्टिलाइज़र की कमी हो जाती है। तो फर्टिलाइज़र देना आप स्प्रिंग के टाइम में स्टार्टिंग में दे दिए, फिर आपको एक बार स्टार्टिंग में खूब अच्छी ग्रोथ दिखेगी, खूब अच्छी इसमें कलियाँ आएंगी, बर्ड लगेंगी, तने हैं वो ग्रोथ करेंगे, तो जितनी भी फर्टिलाइज़र की एनर्जी है वो सब खींच लेते हैं। फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र देना न भूलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दे दिया फर्टिलाइज़र, चलो हो गया। तो हम लोग जब पानी देते हैं तो प्लांट को फर्टिलाइज़र दिए होते हैं वो प्लांट को कुछ मिलता है, साथ ही साथ हम जब पानी देते हैं तो फर्टिलाइज़र जो होता है वो पानी के साथ मिलके धीरे धीरे नीचे भी छन के गिर जाता है। तो इससे क्या होता है कि फर्टिलाइज़र का जो पोषक तत्व बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हमेशा होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्लांट में। हाँ, फर्टिलाइज़र देते हैं पानी नीचे से ड्रेनेज होल से बाहर आता है, तो उसके साथ साथ मिट्टी में घुले पोषक तत्व जो उसकी उपजाऊपन है वो भी घुल के उसके पानी के साथ बाहर निकलती है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमने मिट्टी में फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया है तो वो अभी बहुत दिनों तक चलता रहेगा। आपको एक नियम बना लेना है कि आपको 15 दिन पे या फिर एक महीने पे फर्टिलाइज़र तो दे ही देना है, या फिर 20 दिन पे, जो भी आप जैसा भी समझ लो, अपना बना लो नियम। और अगर आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो थोड़ा थोड़ा करके आप हफ्ते हफ्ते में भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। और प्लांट को ज़्यादा धूप में मत रखो, क्योंकि अभी तो समर हो गया तो आ रहा है, तो बहुत ही तेज़ धूप होने लगी। ऐसा नहीं है कि विंटर इतना धूप है, और आप देखेंगे आपकी उतने लार्ज साइज़ के फूल नहीं आएंगे जितने लार्ज साइज़ के विंटर में फूल आते थे। तो इस समय अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो इसमें तो कोई सा भी फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ घर का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कोई सा भी डाल सकते हैं। अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं तो बोन मील डाल सकते हैं, वो फूल रोज़ प्लांट में फूल ज़्यादा आए इसके लिए प्लांट को, इस चीज़ के लिए प्लांट को तैयार करता है। आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं और इसमें महीने में एक बार फिटकरी डालना ना भूलें। अनार के छिलके डाल सकते हैं आप, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। संतरे के छिलके डाल सकते हैं, उससे मिट्टी एसिडिक भी होती है और बहुत अच्छा इसमें जो भी प्रोटीन होते हैं वो प्लांट को मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत ज़्यादा ये सारे छिलके वगैरह डालने के बाद, देखिए जैसे मैंने डाल दिया, और लेकिन हमारे प्लांट की मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी है, इस तरीके की है, बहुत ज़्यादा अगर आप पानी डालेंगे तो फंगस लगने के चांसेस होंगे। अगर आपके प्लांट में फिर भी इन सारी चीज़ों को डालने से फंगस हो रहा है तो आप इसे पहले 2-3 दिन तक खूब अच्छे से टेरेस पे छोड़ दें, धूप में ये सूख जाए, पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, फिर आप उसे मुट्ठी में दबाएंगे तो वो टूटने लगेगा। तो जब वो बारीक पेस्ट हो जाएगा तो आप उसे मिक्सी में पीस के भी दे सकते हैं, या फिर किसी चीज़ से उसको कूट के पेस्ट बना लीजिए दरदरा सा, उसको भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्लांट को एक अच्छा फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। उसके अलावा आप इसमें 1 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपके प्लांट में हमेशा फंगस लग जाता हो, फंगस बहुत ही ज़्यादा लगता हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा है अगर आप कोई कीटनाशक या फिर फंजिसाइड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए सिनेमन पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आप उसे गिरा सकते हैं। इन दिनों में तो चींटियाँ भी प्लांट में अब धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारे गमले की मिट्टी ठंडी होती है और चींटियों को ठंडी चीज़ें पसंद होती हैं, वो मिट्टी में सुरंग बनाकर रहने लगती हैं और रूट को डैमेज करती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप
कपूर का इस्तेमाल करिए। कपूर के कुछ टुकड़े आप अपने जो प्लांट की सरफेस एरिया पे रख दीजिए और उसकी स्मेल से वो चींटियां भाग जाएंगी और वो प्लांट को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। याद रखिए 2 से 3 टुकड़े ही आपको पूरे गमले भर रखना है। आप चाहें तो उसे हाथों से रगड़ देंगे तो वो पाउडर की तरह हो जाएगा और उसे भी डाल सकते हैं। तो ये ऐसा कपूर एक ऐसा चीज़ है कि जो कि घाम के साथ जब उसे धूप लगेगी तो उसका जो स्मेल होगा जो भी उसकी चीज़ें होती है वो उड़ जाती हैं, तो प्लांट को या फिर प्लांट की रूट को किसी तरीके से डैमेज नहीं करेगा। आपकी जो चूटी लगने की समस्या है, चींटियां लग जाती हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगी। साथ ही साथ गाइस इसमें कभी कभी सब कहते हैं कि मेरा प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से उसमें बर्ड वगैरह सॉरी ब्रांच निकल रही है पर बर्ड नहीं लग रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम अपनी मिट्टी में पोषक तत्व डालते हैं, जो फर्टिलाइजर डालते हैं, वो इस प्लांट को अच्छे तरीके से मिले इसके लिए नाइट्रोजन युक्त खाद हमको दे देनी चाहिए। क्योंकि कोई सा भी प्लांट हो अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है मिट्टी में तो जिस मिट्टी में और जो खाद वगैरह होती हैं पोषक तत्व वो प्लांट को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती हैं। क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट के तने वगैरह को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ उसका ये भी काम होता है कि मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व होते हों वो प्लांट तक पूरी क्वांटिटी में पहुँचे, जितनी क्वांटिटी में हैं वो अच्छे से प्लांट को मिलती रहे। तो ये काम भी नाइट्रोजन का ही होता है। तो आप देख लो, अगर आपने नाइट्रोजन वाली कोई खाद नहीं डाली है और सारी अपने खाद अप्लाई कर दी है तो आप अपना नाइट्रोजन वाला भी कोई भी NPK या फिर जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं सॉरी केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ करते हैं तो डाल सकते हैं। और ऑर्गेनिक चीज़ों में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं तो होममेड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि है। होप करती हूँ गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। बाय।